Hey guys, welcome only Civils Guru. I hope you all are doing well. आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। देखो, हम ये परीक्षा मंथन की डिटेल समरी कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं परीक्षा मंथन को। अब ये विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष जो कि दिस इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो राष्ट्र विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का एक मसौदा है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी है, सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT है, ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। PSLV C51 साउंडिंग राकेट RSP-50, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। मिशन इनोवेशन 2.0, ये सारे हम क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्र विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का एक मसौदा। देखिए, January 2021 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अगले दशक में वैज्ञानिक शोध एवं विकास के मामले में देश को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में लाने का लक्ष्य कर बनाई गई थी। नई विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति के मसौदे का अंतिम रूप दिया। इससे संबंधित कुछ बातें मैं बताता हूँ दोस्तों। यानी कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल देखा जाए, COVID-19 महामारी ने इस तथ्य को उजागर किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से लेना होगा। दूसरा, इस उद्देश्य के तहत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति यानी कि नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा जारी किया गया है। महत्वपूर्ण मानव संसाधन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आकर्षित में पोषित करने के साथ साथ इस नीति के अंतर्गत जन केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना। नई नीति में हर 5 साल में पूर्णकालिक समतुल्य शोधकर्ताओं की संख्या, शोध एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय GERDमें निजी क्षेत्र के योगदान को दुगना करने पर बल दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है, एक देश की सदस्यता जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को अमल में लाने के लिए बातचीत करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत में अनुसंधान और विकास पर काम करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। और दूसरी बात, हालांकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की कुल भागीदारी मात्र 16% है, ऐसे में यह नीति जैविक भौतिक आयु की बजाय शैक्षिक आयु अनुभव को मुख्य कारक मानकर कामकाजी महिलाओं द्वारा ली गई छुट्टियों के कारण उनके पेशेवर जीवन में आई अंतराल की चुनौती को दूर करते हुए लैंगिक समानता लाने की परिकल्पना करती है, यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी को कम करना है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान और मौलिकता का संरक्षण भी है, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम टेकिया जैसे बोलते हैं, ये भी एक न्यू तरीके का इनोवेशन है, एकीकृत प्रणाली है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका दोस्तों कंप्लीट तरीके से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना एंड मसौदा नीति जो कि राष्ट्र विज्ञान से रिलेटेड है। अब आता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी क्या है। क्वांटम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन या QKD टेक्नोलॉजीज क्या है, देखो December 2020 में DRDO ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार स्थापित किया। तो यह परीक्षण जो है दोस्तों कहाँ हुआ, हैदराबाद में स्थित जो हो DRDL है, हैदराबाद में स्थित कहाँ है DRDL मतलब डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट जो लेबोरेटरी है और अनुसंधान केंद्र इमारत के बीच ये परिस्थितियों में किया गया। इस क्वांटम संचार परीक्षण में टाइम बिन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD तकनीक का यथार्थ परिस्थितियों में मूल्यांकन करते हुए सभी पैरामीटर पर सफल पाया गया। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD संचार तकनीक के परीक्षण के दौरान इस संचार तकनीक में सूचनाओं की जानकारी की प्राप्ति की कोशिश कर रहे एक तीसरे पक्ष की खोज निकालने का भी सफल परीक्षण। क्वांटम आधारित सुरक्षा प्रणाली को जासूसी गतिविधियों के विरुद्ध 12 किलोमीटर की रेंज के भीतर फाइबर ऑप्टिक चैनल पर प्रसारण के दौरान सिग्नल शक्ति का आयाम में 10 dB की क्षति के साथ सफल परीक्षण किया गया है। तो ये बहुत सारे QKD से रिलेटेड थे। क्वांटम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी क्या है, देखो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी एक सुरक्षित संचार विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। इसमें क्वांटम यांत्रिकी के घटक शामिल हैं। इसमें कितने घटक शामिल हैं, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का। यह तकनीकी मुंबई स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स और डिफेंस यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी क्वांटम टेक्नोलॉजी DYSLQT ने मिलकर विकसित किया है। यह तकनीकी संचार कर रहे 2 पक्षों को यादृच्छिक सीक्रेट यानी कि रैंडम सीक्रेट की उपलब्ध कराता है जो केवल उन्हीं तक सीमित रहती है, जिसके कारण केवल यही दोनों पक्ष ही संदेशों को इनक्रिप्ट और डी इनक्रिप्ट क्या करते हैं कर सकते हैं। इस प्रकार यह तकनीक उच्च रूप से जो है सुरक्षित और संचार स्थापित करने के क्रम में महत्वपूर्ण हो जाती है।
इसरो द्वारा भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला स्पेस स्टेशन है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्च 2021 में अपनी तरह की पहली बार भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत में विकसित तकनीक के साथ 300 मीटर की दूरी फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया गया। जहाँ तक इस प्रदर्शन में लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया गया है, इसमें क्वांटम की इनकैप्टेड सिग्नल का उपयोग करते हुए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद यानी कि जो कि अहमदाबाद में है परिसर के भीतर दो लाइन ऑफ साइट इमारतों के बीच हुआ है। जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है दोस्तों वो अहमदाबाद में है। तो ये था आपका क्वांटम कम्युनिकेशन डेमोंस्ट्रेशन बाई इसरो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT पे। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है देखो, मार्च 2021 में क्या किया गया था, सेटकॉम उद्योग निकाय के SIA ने सभी उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी अनुप्रयोगों के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया। इससे पहले 10/2020 को भारत की सार्वजनिक टेलो कंपनी BSNL ने किया था। ठीक है, तो सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। ये नया जो है मेड इन इंडिया समाधान है, जो कि स्वदेशी रूप से स्काइलो द्वारा विकसित किया गया है। BSNL के सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा और भारतीय समुद्र सहित पेन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया कवरेज पर प्रदान करेगा। यह कवरेज इतना विशाल होगा कि जो है भारत की सीमा के भीतर कश्मीर और लद्दाख से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक भारतीय समुद्री सीमा को कवर किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। इस तकनीक का तहत एक छोटा सा स्मार्ट बॉक्स है जिसमें स्काइलो का यूजर टर्मिनल है, जिसमें सेंसर लगा हुआ है जो स्काइलो नेटवर्क और लोगों तक डेटा पहुंचाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT वोल्टेज। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर लेबल लिंक क्या है, सॉरी केबल लिंक। तो दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के मुख्य भूभाग कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपों KLI परियोजना प्रोजेक्ट के मत सबमरीन फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को स्वीकृति प्रदान की, जो कि अगस्त 2020 में चेन्नई और अंडमान निकोबार के मध्य सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक का उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब प्रस्तावित योजना के बारे में बात करें। इस परियोजना के अंतर्गत देखा जाए एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC के माध्यम से कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच संधि दूर संचार लिंक उपलब्ध कराने की योजना को मूर्त रूप देने में घोषणा की गई है। इन द्वीपों में कवरत्ती, कल्पेनी, अगत्ती, आमिनी, एंड्रोथ, मिनिकाय, बंगाराम, बिन्ना, चैटलाइट, किल्तान और कदमन शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है। इसकी जो लागत है 1072 करोड़ रुपये है। इसमें 5 वर्षों के लिए संचालन व्यय को भी शामिल किया गया। इस परियोजना को दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। बाध्यता की यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के लिए आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर ICT सेवाओं तक गैर भेदभावपूर्ण पहुँच को सुनिश्चित करना है दोस्तों। तो ये था आपका क्या ऑप्टिकल फाइबर लिंक। अब आते हैं फूड फोर्टिफिकेशन वोटेज। एग्जैक्टली फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, दिसंबर 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नियमित खादों में फोर्टिफिकेशन की मात्रा को 15-30% तक सीमित कर दिया। यह सूक्ष्म पोषक फोर्टिफाइड उत्पादों की संतुलित खपत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। फूड फोर्टिफिकेशन अथवा खाद्य पौष्टिकरण से तात्पर्य है कि किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन या खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया से, ताकि इन खाद्य पदार्थों के पोषण मान में सुधार हो सके और न्यूनतम लागत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ये था आपका क्या फूड फोर्टिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसकी नीड क्यों है, देखो बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए की, इसकी कमी व्यक्तियों में पाई जाती है, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। आयरन रेजिस्टेंट एनीमिया, विटामिन ए, आयोडीन की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है। महिलाओं और बच्चों के अलावा 24% पुरुष भी आयरन का शिकार पाए गए हैं। दुनिया में विटामिन ए की कमी वाले स्कूली बच्चों में से 1/4 से अधिक बच्चे भारत में हैं जो कि विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं। कितने बच्चे हैं, 25% दोस्तों, 1/4, समझ रहे हैं, 1/4। भारत में 15-49 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में से आधे से अधिक, एक ही आयु के सभी पुरुषों में से 1/4 और 10 बच्चों में से 7 एनीमिया यानी कि आयरन की कमी से जूझ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों।
आप देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। अब ब्लैक वाटर फोटोग्राफी क्या है एक्चुअल में, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ब्लैक वाटर फोटोग्राफी एक्चुअल में क्या है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कई देशों में समुद्री गोताखोरों में रात में मछलियों और बिना रीढ़ वाले समुद्री जीवों के लार्वा से जुड़े रहस्यों को अपने कमरों में कैमरों में कैद कर रहे हैं। इससे समुद्री वैज्ञानिकों इन जीवों के शिशुकाल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं और इस तरह विशेषज्ञों का कहना है कि अंधेरे के सामने आने वाले इस लार्वा से मछलियों का शुरुआती इतिहास भी जाना जा सकता है। इनकी जो गोताखोर हैं शाम के वक्त ढलते ही सैकड़ों फुट महासागरों में उतरकर गहराइयों से सतह पर आने वाली लार्वा की तस्वीरें खींचते हैं, जिससे ब्लैक वाटर फोटोग्राफी कहा जाता है। यानी कि वो गोताखोर शाम के वक्त जैसे ही ढलते हैं सैकड़ों फुट महासागरों में उतरकर गहराई से सतह पर आने वाली लार्वा की तस्वीरें खींचते हैं, जिससे ब्लैक वाटर फोटोग्राफी कहा जा रहा है। अधिकांश लार्वा उंगली के नाखून जितने भी नहीं होते, लेकिन मैक्रो लेंसों से तस्वीरें उतारने पर ये बड़े दैत्याकार मछलियों से कम नज़र नहीं आते हैं। जब आप उसकी तस्वीरें मैक्रो लेंसों लोगे तो बहुत बड़े नज़र आएंगे। कुछ गोताखोरों तो इसे पानी तले एनिमल सफारी का नाम दे रहे हैं। 60 लार्वा का विश्लेषण हुआ है हाल ही में हवाई के वैज्ञानिकों द्वारा जर्नल ऑफ इक्टियोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी में प्रकाशित एक शोध पत्र में समुद्री शोध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक फोटोग्राफी से जुड़ने की उम्मीद जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये फोटोग्राफर इन छोटे छोटे जीवों के नमूने हासिल कर लेते हैं तो इनके डीएनए निकालकर गहन विश्लेषण हो सकता है। अब तक 1 दर्जन गोताखोरों के जरिए 60 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। जीवों के डीएनए बारकोडिंग करके इनके शरीर और व्यवहार में समय के साथ आने वाले बदलावों के बारे में पता लग जाएगा। तो आप समझ गएंगे दोस्तों कि ब्लैक वाटर फोटोग्राफी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अब देखो, इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु गणित भौतिकी रसायन विज्ञान की अनिवार्यता नहीं है। मार्च में देखा जाए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने, यानी कि मार्च 2021 में क्या बोला है, 2020-21 के लिए जारी किया कि इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु छात्रों को 12वीं कक्षा में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान का अनिवार्य रूप से अध्ययन नहीं करना होगा। AICTE स्टैंड फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जैव प्रौद्योगिकी कपड़ा या कृषि इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए भौतिक रसायन विज्ञान और गणित का वैकल्पिक बना दिया गया है। उल्लेखनीय कि कंप्यूटर विज्ञान जैसे अधिकांश इंजीनियरिंग विषयों में प्रवेश के लिए PCM विषय अनिवार्य रहेंगे। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए AICTE द्वारा निर्धारित 14 विषयों की सूची में से किन्हीं भी 3 विषयों में मिनिमम 45% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो ये था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का पूरा बेस। दोस्तों देखो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फोकाको, इस वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है डायरेक्ट, हो सकता है इससे नीचे वाले पूछ सकता है। 9 मार्च 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फोकाको जापान के पूर्ण रूप से अनुसंधान उपयोग हेतु विकसित है। जापान का दोस्तों, जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन, ये रिकेन जो है जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, और फुजित्सु ने जापान की कंप्यूटिंग अवसंरचना में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में इस सुपर कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू किया था। अप्रैल 2020 में COVID-19 महामारी से निपटने हेतु विशेष परियोजना के लिए सुपर कंप्यूटर का परीक्षण किया गया। फोकाको जो है सुपर कंप्यूटर की जापान के ही सुपर कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता है। इसकी एफिशिएंसी 100 टाइम्स बेटर है। इसे मुख्य रूप से उच्च रेजोल्यूशन, लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन को लागू करने हेतु विकसित किया गया है दोस्तों। तो ये था आपका फोकाको। अब आते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर। तो देखो, राष्ट्रीय हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो ऊर्जा का संकट व्याप्त है उसको देखते हुए विकसित देशों से लेकर विकास देशों तक जो विकासशील देश हैं उन सभी में संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन उसकी पहल की शुरुआत की है, यानी कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया है इंडिया ने। इस संबंध में क्या है, केंद्रीय बजट 2020-21 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की बात हो रही है, सॉरी, उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के लिए इस महीने के अंत तक मसौदा नियमों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ठीक है, अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि अपने मंत्रिमंडल को अनुमोदन भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर तकनीकी विकास एवं ऊर्जा बंधारण के रूप में
खनिजों एवं दुर्लभ तत्वों, दुर्लभ जो तत्व होते हैं आधारित, जैसे बैटरी पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ बल दिया गया है। अब देखा जाए तो बजट के, भारत के बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 20,000 बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपये का निजी वित्त पोषण सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ अभिनव वित्त पोषण प्रस्तावित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है? इसका है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का उद्देश्य पेट्रोलियम उपयोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण को कम करना तथा अधिक विविध और कुशल ऊर्जा अवसंरचना में योगदान करना है। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की शुरुआत किया जाना प्रस्तावित है। हरित हाइड्रोजन मिशन इस्पात एवं सीमेंट जैसे भारी उद्योगों में से न केवल कार्बन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों जो दुर्लभ तत्वों के उपयोग पर आधारित नहीं है के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु भी महत्वपूर्ण है। देखो हाइड्रोजन ईंधन एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे हल्का और दूसरा सबसे, बात की जाए एक मिनट, सबसे हल्का हाइड्रोजन का भार हवा से भी, भार से भी कम होता है, इसलिए वायुमंडल में ऊपर की ओर उठकर फैल जाता है। पर यही कारण है कि इसे अपने शुद्ध रूप में H2 में मुश्किल से ही कभी पाया जाता है। मानक ताप और दाब पर हाइड्रोजन एक गैर विषाक्त, अधात्विक, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक दहनशील द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन ईंधन ईंधन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर शून्य उत्सर्जन करने वाला ईंधन है। क्या है? शून्य उत्सर्जन करने वाला। इसका उपयोग ईंधन सेल अथवा आंतरिक दहन इंजनों में किया जा सकता है। अंतरिक्ष यान प्रणोदनों यानी कि स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन का एक स्वच्छ स्रोत है क्योंकि इसका प्रयोग से सब उत्पाद के रूप में मात्र पानी और ताप का ही सृजन होता है। विदित हो कि हाइड्रोजन कई स्रोतों से निकाला जा सकता है, जैसे मीथेन, कोयला, पानी और यहाँ तक कि कचरा भी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को रिचार्ज करने में घंटों लग जाते हैं और यह कुछ 100 किलोमीटर तक ही चल पाती हैं, किंतु FCV का रिचार्ज करने में कम समय लगाता है और अधिक दूर तक भी जाती है, FCV जो होती है दोस्तों। तो ये इसके लिए हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हाइड्रोजन हमारे एनर्जी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ये अब देखते हैं भूस्थानिक क्षेत्र का उदारीकरण ये एक्चुअल में क्या है। हाल ही में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भूस्थानिक क्षेत्र यानी कि जियो स्पेशल सेक्टर हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो मौजूदा प्रोटोकॉल को निष्क्रिय कर क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा हेतु अधिक उदार बनाते हैं। भूस्थानिक आंकड़ा देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुओं, घटनाओं आदि के विषय से संबंधित आंकड़े शामिल हैं। जैसे सड़क का स्थान, भूकंप की घटना, गतिशील वाहन, पैदल यात्री की चाल, संक्रामक रोग का प्रसार आदि। खुली पहुंच की बात करें, भारत के सभी संस्थानों को सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर भूस्थानिक आंकड़ों और सेवाओं तक खुली पहुंच प्रदान की जाएगी। हटाए गए प्रतिबंध, भारतीय निगमों और अन्वेषकों पर से प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। इन्हें अब भारतीय क्षेत्र का डिजिटल भूस्थानिक आंकड़े इकट्ठा करने और मैप तैयार करने, उनके प्रकाशन आदि के लिए आवश्यकता है। इन्हें सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस आदि की भी जरूरत नहीं होती। यह है आपका जियो स्पेशल सेक्टर, भूस्थानिक क्षेत्रों का उदारीकरण। अब आते हैं मिशन इनोवेशन 2.2, व्हाट इज एक्चुअल में ये क्या है। देखो मिशन जो है हाल ही में, ये ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिशन इनोवेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। भारत ने मिशन इनोवेशन के संचालन समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। यह विश्लेषण और संयुक्त अनुसंधान व्यवसाय तक निवेशक उपसमूह का सदस्य है। मिशन इनोवेशन की घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, 30 नवंबर 2015। यह 24 देशों और यूरोपीय संघ के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक पहल है। यानी इसका जो उद्देश्य है, प्राथमिक क्षेत्रों में 5 वर्षों में अपने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार निवेश को दुगना करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रत्येक सदस्य अपना प्राथमिकताओं, नीतियों, प्रक्रियाओं और कानूनों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी निधि के सबसे उचित उपयोग निर्धारित करने और ये दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं की अनुसंधान तथा विकास प्राथमिकताओं उनकी उचित मार्ग को परिभाषित करता है। MIE जो है मिशन इनोवेशन सदस्य कई मामलों में अपने संपूर्ण ऊर्जा नवाचार बजट के कुछ हिस्से को अपनी सीमा रेखा के भीतर पूर्ण करने की प्राथमिकता देते हैं। तो ये आपका मिशन इनोवेशन 2.0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। अब है कैंसर कोशिकाओं के खात्मे में मददगार हो सकता है CRISPR-Cas9 तकनीक। दोस्तों इंपॉर्टेंट है CRISPR-Cas9 तकनीक क्या है। हाल ही में इसराइली वैज्ञानिकों ने चूहे पर शोध यानी कि रिसर्च के दौरान CRISPR-Cas9 नाम की अति नवीनतम जीन एडिटिंग तकनीक से कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की।
ये इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है, इस प्रक्रिया में स्वस्थ कोशिकाओं को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा है। देखना ही है आगे मुख्य निष्कर्ष क्या है। इसराइल के तेल अबीब, इसराइल का एक शहर है तेल अबीब, विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने क्रिस्पर कैस नाइन तकनीक कैंसर से, ध्यान रखना क्रिस्पर कैस नाइन तकनीक पूछ सकते हैं, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के डीएनए में बारीक से बारीक काट-छाट संभव है। इसकी खासियत यह है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त अन्य तकनीकें जैसे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जैसे बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। इसके अलावा इस तकनीक की खासियत यह भी है कि इस तकनीक से नष्ट होने वाली कैंसर कोशिकाएं दोबारा कभी सक्रिय नहीं हो पाती। इस अनुसंधान में ब्रेन एवं गर्भाशय से कैंसर से जूझ रहे चूहों के इलाज में क्रिस्पर कैस नाइन ने तकनीक की उपयुक्तता आंकी गई। इस दौरान जो चूहे इस प्रक्रिया से उभरे उनमें बीमारी से उभरने की गुंजाइश 30% से अधिक मिली। क्रिस्पर कैस नाइन तकनीक एक्चुअल में क्या है, इसे सबसे पहले 2015 में चीन में यूज किया गया था, चीन में सबसे पहले हुआ था, परंतु उसमें इसका प्रयोग पूर्णतः सफल नहीं रहा था। उसके बाद तकनीक द्वारा डीएनए में काट-छाट संभव है। इसके जरिए आनुवंशिक गड़बड़ियां जिसके द्वारा स्टिक फाइब्रोसिस से लेकर स्तन कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है, जो कि शरीर से पूरी तरह से पृथक किया जा सकता है। यदि हम इस तकनीक का कैंसर में इस्तेमाल होने के बारे में बात करें तो क्रिस्पर कैस नाइन तकनीक के तहत कैंसर रोगियों को मैसेंजर आरएनए से लैस एक इंजेक्शन लगाया जाता है और आरएनए जेनेटिक कैंची की भूमिका निभाती हुई कैंसर कोशिकाएं लिपिड नैनो पार्टिकल्स को काट देगा। कैंसर शरीर के किसी अंग में होगा तो इंजेक्शन सीधे ट्यूमर में ही लगाया जाएगा। तो यह है कि क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान हेतु इमैनुअल चारपेंटियर तथा जेनिफर डाउडना 2020 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्पर कैस नाइन, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐड होने। नंबर एक, इमैनुअल चारपेंटियर तथा जेनिफर डाउडना को 2020 का केमिकल नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन का, किसमें, क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखते हैं चीन का कृत्रिम सूर्य क्या है, आर्टिफिशियल सन ऑफ चाइना क्या है। देखो आर्टिफिशियल सन की बात करें कि 4 दिसंबर 2020 में चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संस्थान रिएक्टर ने कि आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन संपन्न कर दिया गया, जो चीन के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब की HL2M टोकोमैक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपकरण है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उपकरण एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, तो HL2M जो है टोकोमैक रिएक्टर है चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपकरण है दोस्तों, HL2M, ठीक है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह उपकरण एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। प्राकृतिक रूप से सूर्य में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया की प्राकृतिक प्रतिकृति के लिए इसमें GK 1 लीटर टोकोमैक यंत्र का उपयोग किया गया है। ध्यातव्य है कि इस परियोजना में गर्म प्लाज्मा को संलयित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया है, तथा इसमें तापमान को सूर्य के कोर के तापमान की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक गर्म ताप यानी कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस करने की क्षमता है। और यह परियोजना चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है, सिचुआन प्रांत चीन के। नाभिकीय संलयन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह की नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाएं सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होती हैं। इस प्रक्रिया में नाभिक को संलयित करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिए कई मिलियन डिग्री तापमान तथा कई मिलियन पास्कल दाब वाली परिस्थिति आवश्यक होती है। हाइड्रोजन बम का निर्माण एक नाभिकीय लगातार नाभिकीय संलयन की थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया पर आधारित है। किस पर, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये था दोस्तों आपका चीन का आर्टिफिशियल सन क्या था, एग्जैक्टली हमने बता दिया आपको आपकी सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दुनिया का पहला प्रकाशित आधारित क्वांटम कंप्यूटर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। अब लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करते रहिए दोस्तों। हम थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा आप भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।